तो हम सभी देखते हैं गोकू अपनी ओमनी फॉर्म के डार्क साइड में सभी लेजेंडरी सैयन के सामने खड़ा होता है। और तभी जोमान कहता है, तो तुम सभी लेजेंडरी सैयन क्या तैयार हो इस किंग ऑफ एवरीथिंग को हम लेजेंडरी सैयन्स की ताकत दिखाने के लिए। और ये बोलते वहां पर मौजूद सभी लेजेंडरी सैयन अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो सभी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन गोकू उन सभी के अटैक से बड़ी आसानी से बचकर कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है लेजेंडरी सैयन? जरा अपनी शक्तियों को और बढ़ाओ। जिसके बाद वो सारे लेजेंडरी सैयन वापस से अपनी पावर अप करके गोकू के ऊपर अपना लगातार अटैक करते जाते हैं और गोकू भी उन सभी के अटैक से बड़ी आसानी से बचता रहता है। जो देख के जोमान कहता है, क्या ये तो नामुमकिन है, आखिर ये किंग ऑफ एवरीथिंग इतना शक्तिशाली कैसे कि वो सभी लेजेंडरी सैयन्स के वार से इतनी आसानी से बच रहा है। जो देख के गोरोशी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है और गोरोशी कहता है, कल तक गोकू के पास में इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि वो किसी भी लेजेंडरी सैयन का सामना कर सके और आज वो इन सभी लेजेंडरी सैयन से बड़ी आसानी से बच रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हम सभी को खत्म भी कर सकता है। और गोरोशी तभी जोमान से कहता है, हे जोमान, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इसे रोकने के लिए हमें अपनी सारी शक्तियां एक बार में ही लगानी पड़ेगी। जिसके ऊपर जोमान कहता है, नहीं गोरोशी, मैं पहले ही अपनी काफी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसीलिए मैं अपनी सारी ताकत को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पा रहा। जिसके ऊपर गोरोशी कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी हमें एक साथ मिलकर इसे रोकना पड़ेगा। और ये सब गोकू सुन लेता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है गोरोशी, लगता है कि तुम और जोमान वापस से अपनी कुछ ताकतें मेरे ऊपर इस्तेमाल करने वाले हो। तो चलो मैं तुम्हारे लिए ये थोड़ा और आसान कर देता हूँ। और जितने भी लेजेंडरी सैयन गोकू के ऊपर अटैक करते हैं, हम सभी देखते तभी गोकू अपना एक अटैक करता है जिससे वो सारे लेजेंडरी सैयन काफी दूर जाके गिरते हैं। जो देख के गोरोशी और जोमान काफी ज्यादा चौंक चुके होते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते गोरोशी और जोमान अपना काफी ज्यादा पावर अप करके गोकू के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन गोकू उन सभी के वार से बड़ी आसानी से बच जाता है और गोकू कहता है, क्या बात है गोरोशी, क्या तुम बस यही करने वाले थे? तो मैं इन सभी से अब थोड़ा बोर हो चुका हूँ, अगर तुम मुझे और अपनी शक्तियां नहीं दिखाते तो चलो मैं तुमको यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और ये बोलते गोकू अपना एक अटैक जोमान और गोरोशी के ऊपर करता है जिससे वो दोनों ही कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। जिसके ऊपर गोरोशी कहता है, क्या लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, ये सभी लेजेंडरी सैयन से लड़ने के बावजूद और हम दोनों से लड़ने के बावजूद भी गोकू आखिर हार कैसे नहीं सकता? जिसके ऊपर जोमान भी कहता है, ये सब एकदम नामुमकिन है, अभी तक तो ओमनी ताकतों की वजह से खुद ही खत्म हो जाना चाहिए था, आखिर ये इस ओमनी फॉर्म को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? जिसके ऊपर गोरोशी भी कहता है, हाँ जोमान, तुम एकदम सही कह रहे हो, आखिर गोकू इस फॉर्म को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है जबकि ये उस ओमनी फॉर्म से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जब गोकू ने उस ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल किया था तो वो बेहोश होकर गिर गया था, लेकिन ये ओमनी फॉर्म की डार्क साइड उससे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन आखिरकार गोकू इसे कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारी आपस में बातें खत्म हो चुकी है? क्योंकि मैं अब इन सभी को खत्म करने वाला हूँ। और ये बोलते गोकू अपना एक अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते जोमान गोकू के सामने खड़ा हो जाता है और जोमान कहता है, ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला किंग ऑफ एवरीथिंग। और ये बोलते जोमान अपने काफी सारे अटैक गोकू के ऊपर करने लगता है। लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बच के कहता है, क्या बस तुम यही कर सकते हो जोमान, तो आखिर तुम मेरे सामने बार बार आकर क्यों खड़े हो रहे हो? लेकिन तभी जोमान कुछ भी नहीं बोलता और वो बस अपने काफी सारे अटैक लगातार गोकू के ऊपर करता रहता है। और तभी जोमान अपना साथ ही साथ पावर अप भी करने लगता है। और तभी जोमान एक पंच लगाने में कामयाब हो जाता है गोकू को। और तभी गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है और गोकू खड़ा होके कहता है, क्या बात है जोमान, लगता है कि तुम अब अपनी लेजेंडरी ताकत मुझे दिखाने वाले हो। जिसके ऊपर गोरोशी भी कहता है, क्या सच में जोमान इतने थकने के बाद भी उसका मुकाबला आखिर कैसे कर पा रहा है? जिसके ऊपर जोमान कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग, क्या तुम भूल चुके हो मैं लॉर्ड अकुमो का
दूसरा सबसे ताकतवर लेजेंडरी सैयन हूँ और तुम मेरी तुलना इनमें से किसी के साथ भी नहीं कर सकते। जो सुन के गोकू काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी गोकू अपने कुछ अटैक जोमान की तरफ करने लगता है, लेकिन इस बार जोमान गोकू के उन अटैक से बड़ी आसानी से बचने लगता है और गोकू भी अपने लगातार काफी सारे अटैक जोमान के ऊपर करता है, लेकिन जोमान उन अटैक से बच के गोकू के ऊपर एक अटैक करता है जिससे वापस से गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है और ये देख के गोरोशी काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और गोरोशी कहता है, सच में मैं इस बात को तो भूल ही चुका था कि जोमान सभी लेजेंडरी साइंस में दूसरे नंबर पे आता है और हो ना हो इसे हराना इतना ज्यादा आसान तो नहीं होने वाला। लेकिन तभी गोकू काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो लगता है कि जोमान मुझे भी तुम्हें अपने थोड़ी और शक्तियाँ दिखानी चाहिए। और ये बोलते गोकू अपना पावर अप करके जोमान के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन तभी वहां पर बीच में गोरोशी आ जाता है और गोरोशी कहता है, इस समय तुम अकेले नहीं हो जोमान, तो चलो गोकू को हमारी शक्तियाँ दिखाई जाए। और ये बोलते जोमान और गोरोशी अपना एक साथ काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो दोनों ही गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन शुरुआत में तो गोकू उनके अटैक से बचता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जोमान और गोरोशी अपना काफी ज्यादा पावर अप करके एक साथ अपना अटैक करते हैं और तभी वो सारे लेजेंडरी सैयन भी वापस से खड़े हो जाते हैं और वो सभी भी अपना पावर अप करके गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं और गोरोशी और जोमान भी अपना एक काफी बड़ा अटैक बना के गोकू की तरफ फेंक देते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसके ऊपर गोरोशी कहता है, क्या हमने आखिर गोकू को रोक दिया, क्या हमने उसे हरा दिया। जिसके ऊपर जोमान कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, उस किंग ऑफ एवरीथिंग का कुछ भी भरोसा नहीं है गोरोशी, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद तभी हम सभी देखते उनको एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है, लगता है कि तुम दोनों ने और इन सभी लेजेंडरी साइंस ने अपनी सारी शक्तियां मेरे ऊपर लगा दी, लेकिन फिर भी तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाए। और ये बोलते गोकू उन सभी लेजेंडरी सैयन की तरफ अपना एक अटैक करता है जिससे वो सारे लेजेंडरी सैयन इस बार काफी दूर जाके गिरते हैं और उन सभी को इन अटैक से काफी सारी चोटें लगती है। जिसके ऊपर जोमान कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये एकदम नामुमकिन है, इस किंग ऑफ एवरीथिंग की शक्तियां। जिसके ऊपर गोरोशी भी कहता है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। और ये बोल के गोरोशी गोकू के ऊपर अपना एक अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू इस अटैक से बड़ी आसानी से बचकर गोरोशी को एक काफी जोर का पंच लगाता है जिससे गोरोशी काफी दूर जाके गिरता है। और इसके तुरंत बाद हम सभी देखते जोमान भी गोकू के पीछे पहुंच के उसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके ऊपर भी एक अटैक करता है जिससे जोमान भी काफी दूर जाके गिरता है और इन अटैक से वो दोनों ही काफी दूर जाके पड़ते हैं। और गोरोशी कहता है, इतना सब करने के बावजूद भी आखिर ये किंग ऑफ एवरीथिंग हारा नहीं, लेकिन ये गोकू अपनी इन शक्तियों को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। जिसके ऊपर जोमान भी कहता है, हाँ पिछली बार ये अपने ओमनी फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन ये डार्क साइड उससे कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और ये फिर भी अभी तक अपने पैरों पे कैसे खड़ा है। जिसके बाद गोकू काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो देखा तुमने, तुम लोगों ने अपनी सारी ताकतें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ना, तो अब वक्त आ चुका है तुम सभी लोगों का यहीं पर अंत हो जाए। और ये बोलती गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और तभी गोकू अपने काफी बड़ा अटैक जोमान और गोरोशी की तरफ कर देता है, जो देख के गोरोशी कहता है, नहीं गोकू तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे गोरोशी आखिर तुम अपने आप को यामोशी का भाई कैसे कह सकते हो जब तुम्हारे अंदर इतनी सी ताकत भी नहीं है। और ये बोलती गोकू अपना वो बड़ा सा अटैक जोमान और गोरोशी की तरफ कर देता है, जो देखने के बाद जोमान भी कहता है, नहीं ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा है, मैं इसे नहीं रोक सकता अपने इस हालत में। लेकिन तभी हम सभी देखते एक शख्स वहां पर बीच में आके उस अटैक को हटा देता है, जो देख के जोमान कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर। जिसके बाद गोकू कहता है, मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आ ही रहा है जिसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं और मेरे उस अटैक को सिर्फ तुम ही हटा सकते थे, अकुमो के सबसे ताकतवर लेजेंडरी सैयन कोड़ा। और हम सभी देखते वहां पर कोड़ा आ चुका होता है और कोड़ा कुछ भी नहीं बोलता और वो
बस गोकू को देखता रहता है।